दिसंबर का टाइम आ गया था ट्वेल्थ में भी, और मेरे को मैं बीमार हो गया, ठीक है, और बीमार ऐसा वैसा नहीं, छोटा मोटा बीमारी, ऐसा नहीं कि सर दर्द हो गया था, मैं बेहोश हो गया था। मैं सुबह उठा ब्रश करने के लिए, तो मेरा दिमाग बिल्कुल ऐसे घूम सा रहा था, मैं गया ब्रश करने और मैं गिर गया बाथरूम में। मेरे भाई ने मेरे को उठाया, उस समय तक मेरा भाई भी आ गया था, मेरे भाई ने मुझे उठाया, है ना, काफ़ी मैं बीमार हो गया था उस समय। मुझे दूसरी एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट पता चली वो है डाइट। हमारा क्या था ना, हॉस्टल में रहते हैं तो इतना अच्छा खाना नहीं मिल रहा होता है, और हम सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ रहे हैं क्योंकि पता नहीं क्या बना दी इन्होंने, मैगी भी अजीब सी बनाते थे ये कौन सी कंपनी की, रात का खाना कई बार छोड़ दिया, पता नहीं क्या बना रहे हैं, तो वो डाइट बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई थी, उसकी वजह से एनर्जी नहीं रही हमारे अंदर। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ बच्चों से कि यार तुम ना थोड़ा डाइट पे ज़्यादा फोकस करो। मेरे डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि यार दिन का मिनिमम एक फल तो खा, एक फ्रूट तो खा। मेरे पापा भी हमेशा बोलते हैं कि यार तुम अगर 10 रुपये अपने शरीर पे लगाओगे तो आप उससे 100 रुपये का काम निकलवा सकते हो, बट वहीं अगर आपने 10 रुपये उससे बचा लिए, 10 रुपये में कंजूसी कर दी, तो आपको 100 रुपये शरीर में लगाने पड़ेंगे दवाई के थ्रू। मान लो आप 10 रुपये का सेब आता है, तो 10 रुपये का सेब आपने खा लिया तो आप में एनर्जी आ गई, आप काफ़ी ज़्यादा काम कर लोगे, बट आपने वो 10 रुपये बचा लिए तो आपकी 100 रुपये की दवाई लग जाएगी।